हैंडलिंग करते हैं, कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है। बीरकस किलन एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद हिमाचल की सीमांत कंडवाल व अन्य स्थानों पर बाहरी राज्यों से ईंट लाकर उनकी अवैध बिक्री जारी है, लेकिन विभाग व प्रशासन न्यायालय के आदेशों की पालना करवाने की बजाय मुखदर्शक बना हुआ है। एसोसिएशन के प्रधान गिरधर शर्मा ने जवाली की एक प्रेस वार्ता में बताया है कि हिमाचल की सीमांत पर पिछले लंबे समय से ईंटों के ठंप लगाकर अवैध बिक्री की जा रही है। इस मामले बारे एसोसिएशन ने स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन के दरवाजे खटखटाए, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एसोसिएशन ने माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर हाईकोर्ट ने इस अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए हाल ही में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें केवल वही ईंटें बेच सकते हैं जिनकी अपनी इंडस्ट्री व लाइसेंस है। आदेशों की पालना के लिए न्यायालय से संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ईंटों का यह अवैध कारोबार कंडवाल व आसपास रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा है कि कंडवाल व आसपास करीब 10 स्थानों पर ईंटों के ठंप हैं, जिनमें बाहरी राज्यों से लाखों की संख्या से ईंटों बड़े वाहनों में ओवरलोड होकर जा रही हैं और अवैध कारोबारी बिना खौफ ईंटों के बिना बिल अवैध बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे सरकार का टैक्स के रूप में प्रतिदिन लाखों का चूना लग रहा है, जबकि प्रदेशों का ईंट व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस धंधे के कारोबारियों के पीछे कुछ प्रशासनिक व अधिकारी राजनीतिक संरक्षण हो सकते हैं, यही वजह है कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद ईंटों का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। एसोसिएशन प्रधान गिरधर शर्मा ने चेताया है कि अगर ईंटों के ठंप लगाकर अवैध बिक्री 15 दिनों के भीतर बंद नहीं हुई तो एसोसिएशन विभागीय अधिकारियों का घेराव करके धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी। इसके बारे डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा का कहना है कि कुछ दिन पूर्व हमारे पास शिकायत आई थी, जिस पर हमने 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। यह मामला सिविल सप्लाई विभाग का है। अगर विभाग हमारी सहायता चाहेगा तो पुलिस उनके साथ आरोपियों पर दोबारा फिर कार्रवाई करेगी। ये देखो जी, कालगढ़ का डंप है जी, शरेआम जिहड़ी इलीगल इट बेची जा रही है, बाहरों लिया के कोई इन्हां कोल परमिट नहीं हैगा, कोई परमिशन नहीं हैगी। यह देखो जी, कोई बिल नहीं कट रहा, कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा, बाहरों इट लिया के शरेआम जिहड़ा है कानून की अक्च धूल चुकया जा रहा जी। तीन चार सालों से कंडवाल बैरियर के नज़दीक भारी मात्रा में पंजाब व दूसरे राज्य से ईंटें आकर बिक रही हैं, जिसको भट्ठा एसोसिएशन ने काफ़ी विभागीय अफसरों के साथ रिक्वेस्ट की कि, लेकिन तीन साल कोई उसका फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही धंधा होता रहा। अब जबकि हाई कोर्ट ने स्टे दिया है और इस काम को गलत ठहराया है और विभाग ने 8 आदमियों के खिलाफ पर्चा भी रजिस्टर्ड किया है अवैध ईंटों के बेचने का, तो थोड़े दिन के लिए तो ये काम बंद रहा, लेकिन अब कुछ दिनों से पहले की तरह पूरे जोर से ये ईंटों बेचने का धंधा द्वारा हो रहा है और हाई कोर्ट के माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं और हम भट्ठे वाले जिनके पास हजारों आदमी काम करते हैं, लेबरें काम करती हैं, वो सारे इनकी वजह से वेले रह जाएंगे, उनको काम नहीं रहेगा। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि ये जो अवैध धंधा हो रहा है, जिससे कि हिमाचल सरकार को भी रोज का एक एक दिन का लाख लाख रुपए से ऊपर जीएसटी की चोरी हो रही है, इसको बंद कराया जाए और ये भट्ठे वालों को, जिससे भट्ठे वाले अपना काम बचा सके, अपने यूनिट को बचा सके। आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी अगर नहीं बंद होता तो? देखो, हम 4 सालों से लगे हुए हैं, हमारे भट्ठे इस बार भी नहीं चलने की पोजीशन में थे और अगर इसी तरह से ये बंद ना इन्होंने किया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और रास्ता भी बंद करेंगे, क्योंकि अब भट्ठे वालों
कि बस हो चुकी है, हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल बंद होने के कगार पर है। तो अगर हमें जस्टिस नहीं मिलता, अगर ये ऐसा चोरी माल बेचना इलीगल नहीं बंद करते, तो हम हर किस्म का अपने कारोबार को बचाने के लिए हर किस्म का वो लड़ाई लड़ने को तैयार।